वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई जस्ट होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है सैटरडे, यानी कि जो डेट है वो है आज 4 जुलाई। सो अभी जो टाइम हो रहा है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। देखिए गाइज, अभी टाइम हो रही है रात की 11 बज रही है। और आप लोग सोचेंगे मुझे क्या हो रहा है, रात की 11 बजे मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, मतलब ब्लॉग अपना स्टार्ट क्यों कर रही हूँ। तो उसका रीजन यही है गाइज कि मुझसे मेरे 2-4 सब्सक्राइबर, ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे अभी सब्सक्राइबर भी कम है, तो 2-4 सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपना नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करूं। तो मैंने सोचा अभी मैं अपना स्किन रूटीन कर ही रही हूं नाइट का, तो आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर कर लूं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि नाइट में मैं अपना स्किन केयर कैसे करती हूँ। गाइज, बैकग्राउंड थोड़ा मेरा बहुत ज्यादा मैसी हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, लैपटॉप वगैरह सारा पड़ा हुआ है ऐसे। तो आज सैटरडे था, घर में सारे मेंबर्स थे तो टाइम ही नहीं मिलता है, घर का काम भी काफी ज्यादा रहता है, फिर ऊपर से वीडियो भी काफी ज्यादा मेरी रह जाती है। सो वीडियो भी मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है, तो टाइम नहीं मिलता है कि इतना मतलब डेकोरेशन करूं। तो मैं डेकोरेशन कभी कभार करती हूँ, हमेशा नहीं करती हूँ। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल भी माइंड मत करना, ये ऐसा ही रहता है, मैं सच बोल रही हूँ आपको, ये ऐसा ही रहता है। मैं बहुत कम इस टेबल की सफाई करती हूँ। और बाकी अगर आप लोगों को मतलब बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रही होगी तो उस चीज को भी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने एसी चलाया हुआ है, गर्मी बहुत ज्यादा है तो मैं एसी बंद नहीं कर सकती हूँ। और हाँ गाइज, मैं आप लोगों को तो एक चीज बताना ही भूल गई, आज मैंने मतलब काफी दिन, 5 से 6 या 6-7 दिन, एक हफ्ता हो गया होगा, लगभग एक हफ्ते बाद आज मैं अपना फोन उठा रही हूँ और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है यार काफी। मतलब डेली सोचती हूँ क्या व्लॉगिंग करूँ। तो चलो, मैंने कहा बहुत हो गया, बहुत दिन से व्लॉगिंग नहीं की तो आज कर लेती हूँ। तो चलो अभी ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, दो मिनट से ज्यादा मैंने आप लोगों से बातें कर ली हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं नाइट स्किन केयर अपनी कैसे करती हूँ। तो गाइस, मैंने अपना फेस वॉश कर ही लिया है, मतलब मैं जब भी रात में सोती हूँ तो अपना फेस वॉश करके आ ही जाती हूँ। मे बी आप लोगों को अभी लाइटिंग का इश्यू लग रहा होगा, क्योंकि लाइटिंग मेरी जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे लाइटिंग नहीं है, ट्राईपॉड मुझे यहीं पर रखना पड़ रहा है, मैं नीचे नहीं रख सकती हूँ ट्राईपॉड, क्योंकि मेरा ट्राईपॉड की जो लेंथ है वो छोटी है, ज्यादा बड़े नहीं होती है। सो ये मेरा पुराना ट्राईपॉड है, मैंने आपको बताया था कि मैंने ये ट्राईपॉड नहीं लाई हूं, तो जैसे तैसे मैंने जुगाड़ करके इस पे लगाया हुआ है। मैं आपको भी दिखा भी दूंगी कि मेरा ट्राईपॉड कैसा टूटा हुआ है, आप लोगों को भी समझ आ जाएगा कि ट्राईपॉड कैसे टूटा हुआ है मेरा। मैंने फेस को फेस वॉश से क्लीन कर लिया है और अभी मैंने यहाँ पे लिया है कॉटन, देख सकते हैं आप लोग, और ये है अभी बायोटिक का बायो कुकुम्बर और टाइटनिंग टोनर विद हिमालय वाटर। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा नहीं है। इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी, तो अभी मैं इसका रिव्यू आपको बता नहीं सकती हूँ, बट थोड़ा सा मुझे ये लेना है। इसमें आप लोग ये देख सकते हैं, ये फॉर्म मतलब आता है ना, जो गाज बोलते हैं जिसको, उस तरीके का ये टोनर है। तो इसको मैं थोड़ा सा कॉटन में लूंगी, आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसे कॉटन में ले लिया है, इसे कॉटन में ले लिया। मैं अपने फेस को थोड़ा इसे अच्छे से अपने फेस पे इसे लगाऊंगी, और जो भी अगर फेस और जो भी हमारे फेस पे थोड़ा बहुत रह जाता है ना गंदगी, वो थोड़ा साफ हो जाए। देखिए गाइस, इतना गंदा, मतलब फेस वॉश करने के बाद भी इतना ज्यादा डस्ट मेरे फेस से निकला है। मेरा फेस क्लीन हो चुका है गाइस, और अब मैं लगाने वाली हूँ, ज्यादा कुछ मैं नहीं लगाती हूँ, मैं बता दूं आपको, और अब मैं लगाने जा रही हूँ गुड वाइब्स का मराकुजा स्किन क्लेरिफाइंग फेस सीरम। ये हमारी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेट करता है, आप लोग अगर चाहें तो इसे दिन में भी लगा सकते हैं, यानी कि जब आप अपना मॉर्निंग स्किन केयर करते हैं तब भी लगा सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो इसको नाइट स्किन केयर में भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा इसे लिया, ज्यादा नहीं लूंगी इसको, क्योंकि मेरी ऑलरेडी ऑयली स्किन है तो थोड़ा ज्यादा नहीं लेती हूँ।
बट इसे मैं इसलिए लगाती हूँ, ये हमारी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेट करता है। सो गाइस, बस दो ही चीज मैं अपनी स्किन केयर में यूज करती हूँ। वैसे मैं क्रीम भी यूज करती थी, वो मैं विंटर में यूज करती थी, आजकल नहीं करती हूँ। आप लोगों को जैसे बताई चुकी हूँ कि मेरी ऑयली स्किन है, और ऑयली स्किन के लिए जो क्रीम, जो मेरी क्रीम है, मतलब उसका जो फॉर्म है ना, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा क्रीमी सा होता है, और मेरे स्किन पे वो ऑयल छोड़ते हैं, इसलिए मैं आजकल उसे यूज नहीं करती हूँ। तो इन दोनों चीजों को ही मैं अपने नाइट स्किन केयर में फॉलो करती हूँ। और अभी मैं लगा रही हूँ निविया का लिप बाम, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ऑलरेडी आप लोगों ने मेरी काफी सारी वीडियो में देखा होगा, मैं इसी लिप बाम को यूज करती हूँ। इसे यूज इसलिए करना है गाइस, क्योंकि लिप होता है ना, मेरे लिप बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। अगर मैं रात में सोती हूँ तो सुबह पता नहीं मेरे लिप ऐसे रहते फटे फटे हो, तो मैं रात में भी इसे लगाना जरूरी समझती हूँ। तो अभी मैं इसको लगा रही हूँ। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं मेरा नाइट स्किन केयर हो चुका है। मैं इन दो ही प्रोडक्ट को यूज करती हूँ, बट मैं विंटर में दो चार प्रोडक्ट और यूज कर लेती हूँ, क्योंकि विंटर में जरूरी होता है यूज करना, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है विंटर में। सो आजकल मैं इसे नहीं करती हूँ, कि जैसे बताई चुकी हूँ ऑयली स्किन है, तो वो और ज्यादा ऑयली हो जाती है, इसलिए नहीं करती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मेरा जो ट्राइपॉड है ना, मैं बता रही थी आपको, ये देखिए, जो ये वाला होता है ना इसका, जहाँ पे हम ये लगाते हैं, तो इसका जो ये नीचे देख सकते हैं आप लोग, ये नीचे वाला देखो, ये इसका टूट चुका है, मतलब ये अटक नहीं रहा है। इसमें जैसे हम फोन लगा रहे हैं या कैमरा लगा रहे हैं, ये नीचे झुक जाता है और गिर जाता है, इसलिए इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज है फिट, बट यही वजह है जहां से मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए, बहुत ज्यादा मैंने आपसे बातें कर लिया, मैं आपको मिलती हूँ मॉर्निंग में। ओके, सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और आज हम बनाने वाले हैं सैंडविच। सैंडविच हम अलग तरीके से बनाते हैं, काफी सारे लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मतलब अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है। तो सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चार से पांच प्याज कट किए हुए हैं, दो से तीन टमाटर कट किए हुए हैं, और अब इन्हें मैं एक छोटी सी कढ़ाई में मैंने हल्का सा ऑयल डाल लिया है। ऑयल में मैं हल्का सा जीरा डालूंगी, और जो मैंने प्याज कट किए हुए थे इसमें मैंने हल्की सी ग्रीन चिली भी कट की हुई है, एक दो ग्रीन चिली कट की हुई है, और एक दो मैंने इसमें लहसुन के मतलब जो टुकड़े होते हैं वो डाले हुए हैं, और इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें टमाटर जो कट किए हुए थे वो भी डाल दिए हैं, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीन चिली फ्लेक्स मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर लिया है, और हल्के हल्के मसाले भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, नमक हुआ, हल्दी हुई, और मिर्च हुई, और सब्जी मसाला जो भी हम ऐड करते हैं वो हल्के हल्के मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छे से फ्राई कर दूंगी। साथ ही साथ यहाँ पे मेरे पास ये पास्ता और पिज्जा का सॉस जो है उसे भी मैं इसमें अच्छे से ऐड कर दूंगी, और कुछ देर के लिए अपने इन प्याज और टमाटर को अच्छे से पका लूंगी। सो प्याज टमाटर हमारे पक चुके हैं, इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। सो आप लोग देख सकते हैं जो मैंने ये प्याज टमाटर फ्राई किए थे वो हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब मैं इसे ग्राइंडर जार में डाल दूंगी और इसे ग्राइंड कर दूंगी। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसका पेस्ट बनाया है, ज्यादा बारीक नहीं किया है, बस थोड़ा थिक सा पेस्ट मैंने इसका बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ पे ब्रेड लूंगी, तो यहाँ पे मैंने ब्रेड ले ली है, ब्रेड में मैंने मक्खन लगा लिया है, यानी कि बटर लगा लिया है, और उसके ऊपर से जो मैंने ये पेस्ट बनाया हुआ था उसको अच्छे से लगा लूंगी, और फिर इसके ऊपर से मैं एक ब्रेड और रख दूंगी, और इसके ऊपर मैं फिर से बटर लगा लूंगी। तो यहाँ पे मैंने टोस्टर वाला स्टैंड रख लिया है, यानी कि जिस पे हम लोग टोस्ट बनाते हैं, हमारे पास यही है, तो इस पे हम टोस्ट बनाते हैं, तो इस पे मैंने इसे अच्छे से पका लिया है, और आप लोग देख सकते हैं हमारा सैंडविच बन के तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है गाइस, एक बार आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अभी मैं बना रही हूँ गाइस अपना दोपहर का खाना, दोपहर का लंच। तो आज हमने बनाई हुई है कढ़ी चावल, तो आप लोग देख, कढ़ी चावल मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो आप लोग देख सकते हैं कढ़ी यहाँ पे हमने बनाने के लिए रखी हुई है। कढ़ी के लिए मैंने पकौड़े बनाए थे, बेसन के पकौड़े हैं, काफ़ी सारे लोग आलू प्याज बहुत बहुत वैरायटी के डालते हैं, बट मैं बेसन के ही बनाती हूँ,
और साथ ही साथ हमारे चावल बन रहे हैं। और कढ़ी देखिए हमारी, इसमें मैंने ग्रीन चिली जो होती है वो कट करके डाली है बड़े बड़े टुकड़े में, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे फैमिली मेम्बर को मतलब मिर्च ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मतलब ज़्यादा हम स्पाइसी नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मैंने बड़े बड़े टुकड़े करके इसमें डाले हुए हैं। देख रहे हो गाइज आप लोग, हवा चल रही है अच्छी, बहुत अच्छी हवा चल रही है, और अभी थोड़ी सी बारिश आई, ज़्यादा तो बारिश नहीं आई लेकिन फिर भी मौसम देखिए। हल्की हल्की आपको गली हमारी लग सकती है, थोड़ी बहुत गीली हुई है, मतलब सड़क गीली हुई है, बाकी ज़्यादा तो नहीं आई बारिश। ये देखिए आजकल बहुत अच्छा लगता है वो, इसलिए ना आजकल श्रावण का महीना लग गया है, और हरियाली देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली, बड़ा अच्छा मन होता है। ये देखो हमारी बगिया, हमने भी खूब सारे फूल लगाए थे, पहले हमारे कितने हुए थे गुलाब के फूल, अभी देखो बहुत कम हो रहे हैं। और हमारा अंगूर का पेड़ जिस पे अंगूर एक भी नहीं आए, आए थे वो पके ही नहीं। ग्रीनरी देख रहे हो आप लोग। सो हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल। सो गाइज, मैं आप लोगों को कल रात से अभी मिल रही हूँ, क्योंकि सुबह मेरे को टाइम नहीं लगा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें कर लूँ, तो सुबह आप लोगों ने देख लिया होगा मैंने क्या बनाया था। और अभी जस्ट मैं मतलब खाना खा के आई हूँ, अपना लंच करके आई हूँ, और जब मैं कढ़ी चावल खाती हूँ ना लंच में, तो आप लोगों ने देख लिया होगा कढ़ी चावल बनाया मैंने, जब मैं कढ़ी चावल खाती हूँ तो पेट बहुत भरा भरा सा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि बस अब सोना है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ, और आज ही मैं इस वीडियो को एंड करूंगी, इस वीडियो को लंबा मुझे नहीं खींचना है ज्यादा, तो मे बी मैं नाइट तक इवनिंग तक ही इस वीडियो को कंटिन्यू कर पाऊंगी। बट और यहाँ पे ना कल रात बहुत ज्यादा बारिश आई थी, आप लोगों ने, मैंने आपको मॉर्निंग में ही थोड़ा सा डाल दिया था क्लिप, आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी गली में हमारी मतलब पानी भरा हुआ है। ये यहाँ पे बहुत तेज बारिश आई थी, पापा ही बताते, हम तो घोड़े बेच के सोए हुए थे तो हमने सुना नहीं, बट यहाँ पे बारिश आई और थोड़ा बहुत मौसम ठंडा हो गया, लेकिन वही बात है यहाँ पे एक दो घंटे से ज्यादा बारिश नहीं आती है। सुबह तक तो ठीक था मौसम, बट अभी अभी जैसे अभी तीन साढ़े तीन का टाइम हो रहा है, 3:30 मतलब यहाँ एकदम से इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, अंदर उमस सी हो रही है। सो हमने सोचा कि चलो बारिश आई है, सुबह सुबह जब मैं उठी तो देखा मैंने बाहर, अरे बारिश आई है, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, बारिश आना मतलब बेकार है, पानी भर जाता है, ठंड तो होती नहीं है। एनीवे अभी मैं सोती हूँ क्योंकि मुझे आ रही है जोर शोर से नींद, मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूं। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मैं बोल रही थी ना आपको कल रात मतलब बारिश आई थी, और ये देखो पानी थोड़ा बहुत तो सूख गया, यहाँ गीला है उधर सूख गया है, फिर भी गर्मी यहाँ पे, हाय राम। ये देखो, देख रहे हो सनलाइट, चैनल कैसे हो आप सभी लोग, आई जस्ट होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस आप लोग सोचेंगे कि मैं फिर मेकअप करके फिर क्यों सज धज गई हूँ, कहीं मुझे बुरा तो नहीं लग गया कि मैं कैमरा ऐसे ही उठा के, मतलब जो लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे, नेगेटिव कमेंट किए थे कि मुंह उठा के चल देती है और मेकअप शेकअप करती नहीं है और कैमरा उठा के बस शुरू हो जाती है, तो कहीं आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे दिल पे तो ये बात लगनी की, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जस्ट अभी एक वीडियो शूट की है अपनी, मेकअप ट्यूटोरियल मतलब एक मेकअप वीडियो मैंने शूट की है। सो मैंने सोचा अपनी वीडियो को मैं मतलब कल से ही कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आज इस वीडियो को एंड कर देती हूँ। आप लोग सोचेंगे मैंने इवनिंग तक का ही आप लोगों को वीडियो में दिखाया, नाइट का नहीं दिखाया कि मैं नाइट में मतलब क्या डिनर बना रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं मैंने आज बनाया था शाम भर,
और सांबर की रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगा कि मैं दोबारा से आप लोगों के साथ उस रेसिपी को शेयर करूँ, तो मैंने इसलिए वीडियो शूट नहीं की। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि टाइम क्या हो रहा है। सो गाइज देखिए, देख रहे हो 11:30 होने वाले हैं रात के, तो 11:30 बजे मैं अपनी वीडियो शूट कर रही थी। इमेजिन कर सकते हो आप लोग ऐसा? नहीं ना। तो भाई वीडियो शूट करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, और दिन में नहीं हो पाता यार, क्योंकि दिन में मैं अगर मेकअप की वीडियो बनाती हूँ ना, तो मेरे को जैसे मैंने आपको बताया मेरी प्रॉब्लम है, पसीना निकल जाता है। तो अभी मतलब सही टाइम था, अभी मतलब थोड़ा ज्यादा, अभी धूप तो रहती नहीं है नाइट पे, तो अभी सही था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा मेकअप वीडियो अपनी शूट कर लूँ, क्योंकि काफी दिनों से नहीं शूट की थी, और मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी कि मैं एक मेकअप वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मैंने कर लिया है। और जस्ट अभी मैं अपना ये सारा मेकअप निकालूंगी और तब जाके सो जाऊंगी। तो चलिए अब ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, आप लोगों से यहीं पे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को अपने एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बताना ही भूलगी, ये जो मंथ चल रहा है आप लोगों को इसीलिए बताना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है, और अगर आप लोगों को पता होगा तभी तो आप लोग मुझे विश करोगे ना। आप लोग सोचेंगे आप विश किस चीज की करनी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये मंथ है जुलाई का, तो ये है मेरा बर्थडे मंथ, मेरा बर्थडे आने वाला है बहुत जल्दी। तो आप लोग भी दुआ कीजिए कि मैं लंबी उम्र जीऊं और मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो, ठीक है? तो मैं आपको भी बर्थडे डेट नहीं बताऊंगी, वो सरप्राइज है, वो मैं आप लोगों को जब मैं अपना बर्थडे ब्लॉग डालूंगी उससे एक दो दिन पहले बता दूंगी, मतलब उससे एक दो दिन पहले जो मैं ब्लॉग बनाऊंगी उसमें बता दूंगी, बट अभी नहीं बताऊंगी। लेकिन अभी टाइम है मेरे बर्थडे में, मे बी 10-12 दिन तो है, तो अभी नहीं बताऊंगी। तो चलिए अब ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, थोड़ा सा मेरा मेकअप मतलब मन तो नहीं कर रहा है मेकअप हटाने का, बट क्या करूं, रात में ऐसा तो सो नहीं सकती हूँ मैं, भूत आ जाएंगे। तो चलिए अभी ज्यादा बातें ना करती हूँ, यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को अपने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।